गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका हार्दिक अभिनंदन है एसआर ग्लोबल एकेडमी हजीबगढ़ रोड निवाला के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सबको पता है ऑनलाइन क्लासेज जो हैं एसआर ग्लोबल एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जिसमें सभी बच्चे और टीचर्स के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे। सो आज मैं दीपक शर्मा विज्ञान विषय साइंस सब्जेक्ट से क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर जो है वो लेके आ रहा हूँ। आरबीएससी क्लास 9 साइंस में से फर्स्ट चैप्टर नेम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। नेक्स्ट एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट है जिसके द्वारा हम प्रॉपर्ली इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ हम इसमें अंडरस्टूड करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मैटर। आफ्टर दैट स्टेट्स ऑफ मैटर, आफ्टर दैट रीऑपरेशन। रीऑपरेशन के दो सेगमेंट होंगे इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग रीऑपरेशन और सेकंड जो है कूलिंग ड्यू टू एवेपोरेशन। और नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज या पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स का होगा। नेक्स्ट वन डिफ्यूजन। नेक्स्ट कंटेंट जो आएगा वो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। ये और एक स्टेट्स है जिसमें हम प्रॉपरली डील करेंगे कि स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे क्या चेंज हो सकती हैं। मेटेरियल स्टेट्स होती हैं वो रूपांतरण हो सकती हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसीय स्टेट में। आफ्टर दैट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन और लास्ट ऑफ फाइनल कंटेंट रहेगा वाटर का इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्रेशर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी ये कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, ये मेटेरियल स्टेट्स होती हैं उनके प्रेशर का क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करते हैं चेंज से। जैसे कि हम जानते हैं कि चेंज वर्ड जो है परिवर्तन बदलाव, किसी भी इनिशियल फॉर्म से फाइनल फॉर्म तक चेंजेस होना ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन वही चेंज कराता है। और केमिस्ट्री में चेंज जो है बेसिकली टू टाइप्स की कैटेगरीज में इंक्लूड किया गया है, जिसको हम एक डिफरेंस के बेसिस पर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे समझेंगे। इसमें पहला टॉपिक हमारा रहेगा फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, और सेकंड रहेगा हमारा केमिकल चेंज इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं फिजिकल चेंज का फर्स्ट टॉपिक है देयर आर चेंजेस इन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस। यानी केवल और केवल इस प्रकार के परिवर्तन के अंदर भौतिक परिवर्तन में या फिजिकल चेंज में जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सब्सटेंस के उसके केवल फिजिकल फॉर्मेट ही चेंज होते हैं, यानी भौतिक स्वरूप ही बदलता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। और केमिकल चेंज का फर्स्ट टॉपिक जैसा कि हम देख रहे हैं देयर आर चेंजेस इन केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर जो है जो भी पदार्थ होते हैं उनके केमिकल कंपोजिशंस भी चेंज हो जाते हैं, उनके केमिकल फॉर्मूलाज भी चेंज हो जाते हैं। फिजिकल चेंज में सेकेंड पॉइंट आता है नॉन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर दिस चेंज। इस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ जो होता है न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो नहीं हो पाता, या ये कह सकते हैं कि नॉन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर दिस चेंज। इस चेंज के बाद जो है कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। एंड नेक्स्ट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर दिस चेंज, एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है जिसका केमिकल कंपोजिशन डिफर होता है उनके इनिशियल या रिएक्टेंट प्रोडक्ट से। नेक्स्ट चेंज इज रिवर्टेड व्हेन कॉज ऑफ चेंज इज रिमूव। यानी जो कारक होता है जो फैक्टर होता है जिस रीजन से ये चेंज हो रहा है किसी भी मैटर में अगर उसे रिमूव कर दिया जाए तो हमारा जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो हमें दोबारा से मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं एक आइस क्यूब जो कि फ्रीजर के जो सेक्शन से हम बाहर निकालते हैं तो वहाँ उसका टेम्परेचर बिल्कुल जीरो होता है, जीरो से लेस होता है। अगर हम उसे बाहर निकालते हैं तो रूम टेम्परेचर जैसा कि 27 डिग्री टेम्परेचर होता है या मोर देन 27, जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो अदर जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर मोर देन 27 होता है, तो जीरो से 27 में केवल और केवल टेम्परेचर का ही इंक्रीजमेंट हुआ है जिससे उसके स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं। एक आइस क्यूब जो है वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो रही है, और यदि हम उस टेम्परेचर को अगेन रिमूव कर देते हैं इट मीन्स हम उसे अगर रिमूव करेंगे तो फ्रीज करेंगे उसके कूल करेंगे वाटर को, और वाटर को अगर फ्रीज करते हैं तो दोबारा से हमें वो आइस क्यूब मिल जाता है।
जैसा कि मैंने बताया इस प्रकार के चेंजेस जो होते हैं उसमें जो स्पेसिफिक कारण जो होता है, रीजन जो होता है, फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो चेंज हुआ है, यदि उसे रिमूव कर दिया जाए तो हम प्रॉपर्ली तरीके से हमारा इनिशियल प्रोडक्ट जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स, इट डज नॉट गेट रिवर्स इवन व्हेन कॉज ऑफ चेंज इज रिमूव्ड। यदि हम किसी कोई भी इनिशियल प्रोडक्ट होता है दो रिएक्टेंट्स के बीच में जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन किसी स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से या किसी स्पेसिफिक एजेंट्स की वजह से अगर हो रही है कंप्लीट, तो केमिकल चेंजेज में जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है उस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आप अगर उस कॉजेज को रिमूव कर देते हैं तो दोबारा से आपका इनिशियल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट कंटेंट में बात कर रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं फिजिकल चेंज में फोर्थ पॉइंट है आपका, जिसमें यह टेम्परेरी चेंज कहलाता है, यानी एक शॉर्ट ड्यूरेशन तक कुछ समय तक ये चेंज होता है। और नेक्स्ट कंटेंट अगर देखते हैं केमिकल चेंज में, ये परमानेंट चेंज होता है और इसलिए कह सकते हैं स्थायी परिवर्तन होता है, जो एक बार केमिकल प्रोडक्ट बन जाता है वो फाइनलाइज होता है। यदि हम अदर कोई रिएक्शन ना करें तो वह कंटेंट वो ही रहेगा। नेक्स्ट, जैसा कि हम देख पा रहे हैं फर्स्ट कंटेंट हमारा जैसे चैप्टर की हेडिंग थी मैटर, तो ये मैटर से रिलेटेड टॉपिक है आपका। मैटर की स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु या कुछ भी, एनीथिंग का तात्पर्य कुछ भी है, और जो या तो क्या करे किसी स्पेसिफिक स्पेस को कवर करता हो या फिर किसी स्पेसिफिक मास को रखता हो, कंटेन करता हो, तो ऐसे पदार्थ को हम बेसिकली मैटर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें मास के साथ साथ वॉल्यूम या स्पेस कवर करने की कैपेबिलिटी होती है उसे हम मैटर कहते हैं। और ये बेसिकली अगर बात करें तो मैटर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसे हम प्रॉपर्ली तरीके से अगर देखते हैं तो हम उसे देख पाएंगे कि वह स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्लास्टिक का बोतल है, प्लास्टिक का बोतल आपके पास एक पर्टिकुलर पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर है। और पॉलीमर का सेंस ये कि आपके पास एक प्लास्टिक का बोतल है, इसमें मेनी मोनोमर्स जो होंगे एक साथ क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं, जिनमें रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस होने के बाद वह किसी स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं उन वो बेसिकली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और अगर वो सॉलिड लिक्विड या गैस तीनों स्टेट्स में अवेलेबल हैं तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी पाया जाता है। मेटल पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एंड इसी के साथ साथ ये कहें आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोनो, तो और इसी तरीके से वो लगातार एक ही प्रकार की अवस्था के अंदर बने रहते हैं। जैसा कि हम आगे फर्दर जो स्टेप्स स्लाइड्स आएंगे उनमें हम प्रॉपर्ली देख पाएंगे कि कैसे सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कितने क्लोज होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स कितने डिफर होते हैं, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, और गैसेस पार्टिकल और भी ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं मैटर के बारे में हम क्लासिफिकेशन का सेगमेंट ले रहे हैं, जिसमें मैटर बेसिकली क्लासीफाइड किया है फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकेंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन प्रकार की स्टेट्स बता रखी हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये प्रकार से अगर बात करते हैं बेसिकली इसका सारा डिटेल जो है अपन पढ़ेंगे, सॉलिड जो होते हैं बेसिकली, लिक्विड जो होते हैं, गैसेस होते हैं, ये तीन अलग अलग स्टेट्स होती हैं मैटर की। एंड इसी के साथ साथ सेकंड कंटेंट है केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर को अगर केमिकल के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है तो बेसिकली टू टाइप्स की कैटेगरी में से इंक्लूड किया जाता है, सॉरी, और दो प्रकार की कैटेगरी में से इंक्लूड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। पहला कंटेंट आपके पास आता है प्योर सबस्टेंस और दूसरा कंटेंट आता है आपके पास मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस को भी टू टाइप्स की कैटेगरीज पे कैटेगराइज किया जाता है, फर्स्ट एलिमेंट्स और सेकंड जो है आपका कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली जैसा कि हमें पता है पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर हम जानते हैं कि एलिमेंट्स को थ्री टाइप्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, पहला मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड्स। और नेक्स्ट कंपाउंड्स में अगर बात करते हैं तो बेसिकली कंपाउंड यानी यौगिक जो होते हैं उनको भी दो प्रकार के पदार्थों में विभाजित किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, नंबर वन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सेकंड वन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस फ्लो चार्ट में लगभग सारी चीज जो मैटर से रिलेटेड है उसको हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि हमारा मैटर के दस भाग वाली स्टेट थी,
स्टेट्स ऑफ मैटर एंड मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज अ सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेज एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यानी ये कहें कि जो मैटर होता है उनमें पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेज और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की आधार पर जो है किसी भी मैटर को या सभी प्रकार के मैटर्स को हम थ्री टाइप की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट जो आता है वो हमारा सॉलिड होता है, सेकंड जो आता है वो हमारा क्या होता है लिक्विड होता है, और थर्ड कंटेंट जो आता है वो हमारा गैस होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये तीनों फॉर्म्स जो होती हैं, दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ द मैटर्स आर इंटर कन्वर्टिबल बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये तीनों अवस्थाएं जो होती हैं इनमें अगर हम प्रेशर का इंक्रीजमेंट करते हैं या डिक्रीजमेंट करते हैं तो इनकी अवस्थाओं में एक दूसरे में रूपांतरित हो जाती हैं, इनमें कन्वर्जन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आइस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द सॉलिड टू अ लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसा कि ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है कि आइस क्यूब होता है, बर्फ जो होती है, यदि इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो वह अदर फेज यानी ये कह सकते हैं सेकेंड जो स्टेट होती है लिक्विड उसमें वह चेंज हो जाती है। कुछ यहाँ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सॉलिड और लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासीफाई किया गया है, किस तरीके से कौन से कंटेंट को सॉलिड कहेंगे, कौन से कंटेंट को हम लिक्विड या कौन से कंटेंट को गैस, ये प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उनमें सेपरेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक अपना है शेप एंड वॉल्यूम, यानी अगर हम बात करते हैं आकार और आयतन के बारे में तो सॉलिड जितने भी होते हैं वो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, यानी कह सकते हैं जिनका शेप जो है और वॉल्यूम जो है वो दोनों ही फिक्स होते हैं सॉलिड्स की। लिक्विड्स में कभी भी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, बट अगर हम बात करें वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम क्या होता है लिक्विड्स का फिक्स होता है। थर्ड कंटेंट हमारा आता है गैस। गैस में हम देख पा रहे हैं नाइदर डेफिनेट शेप और नॉर वॉल्यूम, ना तो इसका वॉल्यूम और ना ही इसका शेप, दोनों ही फिक्स नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हम लेते हैं एनर्जी। एनर्जी में हम देख पा रहे हैं एनर्जी सॉलिड्स में लॉवेस्ट फॉर्म में होती है, यानी इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज क्लोज होते हैं, हाईली अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से इनमें एनर्जी जो होती है एनर्जी कंटेनिंग फॉर्म होता है वो लॉवेस्ट फॉर्म में होता है, लिक्विड में मीडियम फॉर्म में होता है और गैस में हाइएस्ट फॉर्म में होता है। थर्ड टॉपिक अपना आता है कंप्रेसिबिलिटी, यानी अगर हम बात करें किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी पदार्थ को यदि दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो उसके आधार पर सॉलिड्स में लिक्विड्स में और गैसेस में डिफरेंस देख रहे हैं। सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी डिफिकल्ट होती है, बहुत ही रेयर केसेस में होती है, क्योंकि मोस्टली सॉलिड पार्टिकल्स इतने एक दूसरे के क्लोज होते हैं कि उन्हें हम इजी वे में प्रेस नहीं कर सकते, इजी वे में कंप्रेस नहीं कर सकते, सो बड़ा डिफिकल्ट मैनर होता है। एंड लिक्विड्स में अगर बात करें नियरली डिफिकल्ट, यानी चांसेस हैं बट अगर फिर भी प्रेशराइज किया जाए तो थोड़ा वो उन्हें क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है। गैसेस पार्टिकल्स को बड़ा इजी वे में हम क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, और किसी स्पेसिफिक कम वॉल्यूम वाले आइटम जो बीकर या कंटेनर या अदर जो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं उनमें हम उन्हें फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हम देख रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर बात करें सॉलिड्स में लिक्विड्स में इनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर क्लोजली अरेंज होता है, यानी हर पार्टिकल एक दूसरे के सिक्वेंस में होगा और प्रॉपरली अटैच होता है, बहुत पास पास होता है। अगर लिक्विड्स में बात करते हैं तो रेंडम तो होता ही होता है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में भी होता है, रेंडम फॉर्म में होता है। इसके अलावा इसमें हम ये कह सकते हैं कि सेपरेटली अरेंज कर सकते हैं, लिक्विड सेपरेटली अरेंज होता है ये, एंड गैसेस पार्टिकल्स में रेंडम होता है, एंड इसके साथ साथ इनके अंदर जो ये कह सकते हैं इनकी लोकेशन होती है वो डिफर डिफर पोजिशन पर पाई जाती है। थर्ड कंटेंट हमारा नेक्स्ट कंटेंट जो हमारा आया है वो है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी एक प्रकार का नेचर है और वह सॉलिड लिक्विड गैस के आधार पर इनको अगर क्लासीफाई कर रहे हैं फ्लूडिटी प्रॉपर्टी के आधार पर, तो हम बताएंगे सॉलिड में सॉलिड जितने भी पार्टिकल होते हैं उनमें फ्लूडिटी का नेचर नहीं पाया जाता, मतलब कांट फ्लो, और लिक्विड्स की अगर बात करते हैं फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, यानी अधिकतम से न्यूनतम स्तर की ओर यह फ्लो होता है, यानी जहाँ से मैक्सिमम फॉर्म होती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है, हायर लेवल होता है अमाउंट का, वहाँ से लोअर लेवल की ओर ये ट्रांसफर होता है, फ्लो हो पाता है। एंड इसी के साथ साथ गैसियस पार्टिकल्स के बारे में अगर बात करें तो गैसियस पार्टिकल्स बेसिकली ऑल डायरेक्शन में फ्लो होती है। जैसा कि एक एग्जाम्पल देख सकते हैं गैसियस पार्टिकल्स का इंसेंस स्टिक, सुबह सुबह जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमें वहाँ इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती होती है,
पूजन करते हैं, जलाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और इंसेंस स्टिक से निकला हुआ जो धुआं होता है वह कुछ ड्यूरेशन तक तो जहां हमने इसको स्टैंड पर लगाया उसी के आसपास होता है, पर आफ्टर सम टाइम वह कम्प्लीटली ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है, और इस तरीके से हम ये फ्यूरिटी मेजर है गैसेस फेज का वो हम इजी वे में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिफरेंस प्रॉपर्टीज के आधार पर मोमेंट का। अगर हम देख पा रहे हैं कि मोमेंट जो होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मोमेंट ना के बराबर होता है, यानी कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी अप्रोक्सीमेट नो ही होता है। यदि हम बात करें लिक्विड फेज में तो ये कहेंगे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कितना है। अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कितना है इसके आधार पर लिक्विड में क्या होता है मोमेंट हो पाता है, कि अगर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मोमेंट थोड़ा स्लो हो गया है, कम होगा, बट अगर कम है तो शायद पॉसिबिलिटी होती है कि ज़्यादा हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोमेंट में मैंने बताया कि ना के बराबर होता है, ना का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ इंटर पार्टिकल फोर्सेज जो होती हैं अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड्स में, इस वजह से मोमेंट होने के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट इंटेंट आता है हमारे पास मोमेंट में फ्री एंड कॉन्स्टेंट एंड रैंडमली, जैसे गैसियस पार्टिकल होते हैं उनमें मोमेंट बड़ा आसान इजी वे में हो सकता है क्योंकि फ्री होते हैं पार्टिकल, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज जो होते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेज जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं या फिर बहुत लेस होते हैं, इस वजह से इनमें मोमेंट इजी वे में हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटर पार्टिकल स्पेस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड्स में वेरी लेस, लिक्विड्स में बॉल एंड गैसियस स्पेस में लार्ज होती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, ये प्रॉपर्टी है हमारी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन से रिलेटेड। तो इसमें हम बात करेंगे सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है, मीडियम होता है एंड इसी के साथ साथ मिनिमम होता है। देखिए हम दो चीज़ों पर ना ध्यान देंगे, एक तो आता है इंटर पार्टिकल स्पेस और दूसरा कंटेंट आ रहा है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है और दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कितना है। इन दो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस का होता है वेरी लेस होता है और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, और ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं क्योंकि पार्टिकल का फोर्सेज अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के क्लोज होंगे और क्लोज होने की वजह से उनके स्पेस क्या होगा कम होगा। नेक्स्ट वन इंटर पार्टिकल स्पेस अगर लिक्विड से मोर होता है और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मीडियम होता है, मैंने ये तो पहले ही बताया आपको कि ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मीडियम फेज का होता है तो डेफिनेटली इंटर पार्टिकल स्पेस का होगा वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट कंटेंट अगर बात करते हैं मिनिमम और लार्ज से रिलेटेड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यदि अट्रैक्शन मिनिमम है तो स्पेस क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को अच्छे से बाइंड अप नहीं कर सकते और वो फ्री रहते हैं, इस वजह से उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो डेंसिटी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं डेंसिटी के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होता है, रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कह सकते हैं जो द्रव्यमान होता है और आइटम जो होता है उनका जो रेशियो होता है उसे हम डेंसिटी या घनत्व कहते हैं, और ये सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है, लिक्विड्स में मीडियम होता है और गैसेस फेज में मिनिमम होता है। नेक्स्ट कंटेंट या नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा और रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनको स्प्रेड होने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, उनमें डिफरेंसेस क्या रहेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि मोमेंट्स जो होते हैं सॉलिड्स में बिल्कुल नेगेजिबल होते हैं या जीरो के आसपास होते हैं, तो यहाँ भी जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन नो ही होगा या अप्रोक्सीमेट नो होगा। अगर हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी यानी लिक्विड से रिलेटेड, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं यह पर्टिकुलर इंटर पर्टिकुलर अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, कितना अट्रैक्शन है उसी आधार पर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिफरेंस जो है वो हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि गैसियस फेज जो होती है विशेष तौर से वो हम प्रॉपर्टी तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन पार्टिकल ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट ये ऑलओवर हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं सॉलिड लिक्विड और गैस, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप स्पष्ट से पढ़ देखना, इनमें डिफरेंसेस करना और इनको कोरिलेट करने का कोशिश करना। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा प्रीवियस पीस, यहाँ कुछ पर्टिकुलर डायग्राम्स दे रखे हैं एटमिक व्यू ऑफ द थ्री स्टेट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रेड बॉल जो होती है और ये पर्टिकुलर व्हाइट बॉल जो होती है ये एक दूसरे से कितनी क्लोज हैं, ऐसे ही एटम्स जो होते हैं ऐसे ही एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से बाइंड अप होते हैं सॉलिड्स में, जिसकी वजह से इनमें ये कह
कह सकते हैं स्पेस नहीं होता, और स्पेस इसलिए नहीं होता क्योंकि इनमें इंटर पार्टी अट्रैक्शन बहुत या एक तो हाईली होता है या मैक्सिमम फॉर्म में होता है, इसी वजह से इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं होता, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोमेंट नौ के बराबर होता है। गैसियस पार्टिकल्स में अगर बात करते हैं लिक्विड सॉरी लिक्विड पार्टिकल्स में बात करते हैं तो जैसा हम देख पा रहे हैं दो जो बॉल्स हैं तो जो एटम्स हैं हमारे उनके बीच में स्मॉल स्पेस जो होता है वो यहाँ पे कंटेन है, तो इससे हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा स्पेस होता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में। और गैसियस फेज के बारे में देख लेते हैं रेंडमली यानी इनका पर्टिकुलर एक ऑर्डर नहीं होता, और ये कह सकता हूँ कि रेंडमली मूवमेंट भी करते हैं, इनमें स्पेसिफिक एरिया जो होता है गैप जो होता है या स्पेस जो होता है मैक्सिमम होता है, और उसका बेसिक रीजन होता है कि इनका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मिनिमम होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इवोपरेशन। इवोपरेशन के बारे में हम बात करते हैं और इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा अपन नजर डालते हैं। द फिनोमेना बाय विच मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट अंडरगो ए स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू द गैसियस स्टेज एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। इवोपरेशन के बारे में बात करें यह एक प्रकार का प्रक्रम है, एक प्रकार की घटना है, और बाय विच मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट जो मॉलिक्यूल्स के जो लिक्विड होती है ये कह सकते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं उनमें रूपांतरण होता है, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होता है गैसियस फेज में एट एनी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वो भी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे बिलो टेम्परेचर अगर हो तो अगर कन्वर्टेशन हो रहा है इसमें कि लिक्विड से गैसियस फेज वाले मैनर में तो उसे हम बेसिकली ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे इवोपरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं द ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ द डैम ऑफ लॉस इज कॉज्ड बाय द इवोपरेशन ऑफ वाटर टू वाटर टू वेपर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कपड़े जो हैं मोस्टली अगर हम वॉश करते हैं क्लीन करते हैं और आफ्टर दैट वो बिल्कुल डैम्प होते हैं भीगे हुए होते हैं, उनको अगर हम सुखाते हैं एक ओपन प्लेस पे ओपन एरिया पे सुखाते हैं तो आफ्टर सम टाइम उनके जो पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें लिक्विड फॉर्म में पहले से अवेलेबल हैं डैम्प करे हुए हैं उस क्लॉथ को वो आफ्टर सम टाइम बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ वो पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वाटर वेपर जो होता है बेसिकली वो एटमोसफेयर में चला जाता है और जिससे आपका क्लॉथ जो है या आपके जो कपड़े जो हैं बेसिकली वो क्या होते हैं ड्राई हो जाते हैं। ये पर्टिकुलर इवोपरेशन का मेथड हो गया, इवोपरेशन की डेफिनेशन हमने बताई, इवोपरेशन का एग्जांपल बताया एंड इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन को प्रभावित करते हैं या उनसे इवोपरेशन प्रभावित होता है। फर्स्ट की बात करेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस विद एंड इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। यदि हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो हमसे टेम्परेचर यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या हो रहा है इंक्रीज ही होगा। सेकंड कंटेंट रहेगा हमारा सरफेस एरिया से रिलेटेड और रेट ऑफ इवोपरेशन यदि इंक्रीज हो रहा है तो वो बेसिकली कब होगा जब सरफेस एरिया बड़ा होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो भी क्या होगा हायर होगा। ह्यूमिडिटी से अगर रिलेटेड बात करते हैं यानी आर्द्रता से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है बेसिकली वो डिक्रीज होता है यदि ह्यूमिडिटी बढ़ती है। यानी अगर इसका एक एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि रेनी सीजन में जो है बरसात के दिनों में जो है कपड़े एक टाइम के बाद ही सूखते हैं बड़ी क्विकली या फास्टली जो है वो ड्राई नहीं हो पाते। उसका मेन रीजन ये होता है कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का जो नेचर होता है या ह्यूमिडिटी की परसेंटेज जो होती है वो हायर होती है और जिसकी वजह से रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट कंटेंट विंड स्पीड हवा की जो स्पीड है उस पर भी जो इवोपरेशन का जो नेचर है वो डिपेंड करता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो इंक्रीज होता है यदि विंड स्पीड इंक्रीज होती है। तेज हवाएं चलती हैं तो बेसिकली क्या होगा जो पार्टिकल्स इवोपरेट हो रहा है वो पार्टिकल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव हो जाएगा और जहाँ उसकी पर्टिकुलर प्लेस थी वहाँ केवल ड्राई एयर होगी और ड्राई एयर वापस से कॉन्टैक्ट में आती है जिसमें एक डैम्प जो क्लॉथ होता है उसके कॉन्टैक्ट में आती है दोबारा से उस मॉलिक्यूल यानी कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का वह वेपर में कन्वर्ट होकर उस ड्राई एयर में मिक्स हो जाता है वहाँ की ह्यूमिडिटी को चेंज कर देता है। इस तरीके से हम मान सकते हैं कि विंड स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो प्रॉपरली वे में आपका जो रेट ऑफ इवोपरेशन है उसका बढ़ना निश्चित है। नेक्स्ट कूलिंग ड्यू टू इवोपरेशन यदि हम बात कर रहे हैं कूलिंग से रिलेटेड भी अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ इंटर कूलिंग के सेगमेंट से रिलेटेड इवोपरेशन के द्वारा तो हम देख पा रहे हैं कि ड्यूरिंग
ऑपरेशन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड अंडरगो द फेज चेंज। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ई ऑपरेशन के दौरान जो है जो पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो भी अपने आसपास या सराउंडिंग फेज में जो एनर्जी होती है उसको और ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और जो आसपास के नियरेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं या ये कहें कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी का ट्रांसमिशन करते हैं धीरे धीरे एंड इस तरीके से अंडरगोज द फेज चेंजेस और इसी तरीके से यह अवस्था बदलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करना चाहें इसमें प्रॉपर्टी सेगमेंट में, जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल्स के कुछ पोर्शन जो हैं अटैच हैं कुछ एटम्स एक दूसरे से अटैच हैं, एक एटम अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो सेकेंड वाले एटम को वह ट्रांसमिट कर रहा है और ट्रांसफर कर रहा है तो शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वह इल्यूमिनेशन का जो मैनर है वह हमें यहाँ शो हो पाए। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स मैच द सराउंडिंग को, जैसे कि इस टाइप का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं लेमनॉइड वाटर जो होता है नींबू पानी जब हम बनाते हैं तो उसमें लेमन एक्सट्रैक्ट होता है शुगर होता है सॉल्ट होता है जैसा भी हम उनका प्रॉपर जो रेशियो होता है उसमें मिक्स करते हैं तो उसके सरफेस के ऊपर जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं और थोड़ा सा कूलिंग सरफेस उसका हो जाता है। उसका बेसिक रीजन ये होता है कि जब ये फॉर्मेशन तैयार हो जाती है तो उस ड्यूरेशन में यह एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग फॉर्म से और जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो होते हैं यानी आउटर साइड में जो एनर्जी होती है वह तो कंजप्ट हो जाती है इस प्रकार के फॉर्मेशन में और रिमेनिंग जो कंटेंट है यानी कह सकते हैं सराउंडिंग फेज में जो ह्यूमिडिटी नेचर होता है वो बाकायदा वहाँ पे ड्रॉपलेट्स बेसिस पर उसकी सरफेस पर चिपक जाता है या फिर पाया जाता है। एग्जाम्पल स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर बॉडी, इसमें हम ये भी देख सकते हैं गर्मियों के दिनों में जब हमें पसीना आता है और पसीना आने के बाद हवाएं चलती हैं तो बेसिकली एक ड्राई एयर हमारे शरीर से कांटेक्ट में आती हैं और आफ्टर दैट हमें कूल फील होता है ठंडा फील होता है। नेक्स्ट कंटेंट में अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ए फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट एस्पेक्ट ऑफ द मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर और कंपोजिशन। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी भी मैटर का अगर मैनर में हम बात करेंगे या तो उसे ऑब्जर्व किया जाए या इसे मेजर किया जाए विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड कंपोजिशन, उसके ना तो चेंज नेचर में चेंज होना चाहिए ना ही उसके कंपोजिशन में चेंज होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी मैटर में मॉडिफिकेशन हो रहे हैं उसे या तो ऑब्जर्व करें या फिर प्रॉपर्ली मेजर करें। तो ये कुछ पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम इसे डील कर सकते हैं नेचर ऑफ मैटर को। नेक्स्ट कंटेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, और ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है कि कितना मात्रा में आप मैटर जो है वो अवेलेबल है उसके ऊपर। एंड नेक्स्ट कंटेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड अपीयरेंस कलर ऑर्डर डेंसिटी टेक्सचर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं बेसिकली कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड की जाती हैं जिनमें सबसे पहले हम लेते हैं अपीयरेंस यानी जो ऑब्जेक्ट का नेचर या कलर विजुलेंस हमें दिखाई दे रहा है जो आउटर अपीयरेंस जो हमें दिखाई दे रहा है वो, सेकेंड कलर ऑर्डर डेंसिटी एंड टेक्सचर उसकी आकृति कैसी है एंड नेक्स्ट है आपके पास आकृति के साथ साथ संरचना का भी हम देख सकते हैं एंड नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इत्यादि जो नेचर हैं वो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो बच्चों आज हमने मैटर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के ऑपरेशन और काफ़ी सारे मैटर हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे, बाकी सारा जो भी है नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमारे आ रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल और मैटर्स और उसके बाद वाले सारे टॉपिक्स हम हमारी नेक्स्ट क्लास में लेंगे और आप सभी बच्चे जो हैं कंटिन्यू एंड प्रॉपर्ली तरीके से स्टडी के साथ ज्वाइन हो और जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनको बार बार देखिए रिविजन कीजिए और भी अपने क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसा ग्लोबल अकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसे लाइक भी कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे नए वीडियो जो भी आ रहे हैं उससे उसमें सबसे पहले आप पहुंच सकें आपको उसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।